हाफ टाइम देंगे? विराट कोहली पे प्रेशर दोनों पे होता है, दोनों पे। अगर हार जाए तो गालियां। अच्छी मुझे लोग कह रहे हैं सूर्या कुमार जो है बहुत टफ टाइम देगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान को पता है इंडिया भी सेमीफाइनल में जा चुका है, पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में जा चुका है। हम अपनी आवाम से पूछे हैं क्या वो देख चाहते हैं कि इंडिया और वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल हो, और क्या एक्साइटेड है आवाम की। अपनी आवाम से पूछते हैं, अपनी पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन लेते हैं और उनसे पूछे कौन सी क्रिकेटर जो टफ टाइम, कौन सी टीम टफ टाइम देगी इंडिया को, पाकिस्तान की कौन सी क्रिकेटर जो इंडिया को टफ टाइम दे। आइए अपनी आवाम के बाद चलते हैं और उनसे पूछते हैं। अच्छा मुझे आपको पता है कल एक मैच हुआ था नैदरलैंड और साउथ अफ्रीका, नैदरलैंड ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया, इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान को अपनी अच्छी कारकर्दगी आगे भी मज़ीद दिखानी चाहिए ताकि हम जो इस कंपटीशन में जो चल रहा है हम आगे। मुझे बताएं आप क्या चाहते हैं कि आप दोनों टीमें इंडिया और पाकिस्तान इधर आ जाए। इंडिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा चुका है, आप क्या चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होना चाहिए? मैं बिल्कुल चाहता हूँ होना चाहिए। और देखिए काफ़ी मैच ऐसे होते हैं जिनके लिए जनता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, और हम भी इन मैचेस के लिहाज से तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और उसमें आपको पता है फिर मज़ा अलग आता है। अच्छा मुझे बताएं कि इंडियन टीम में कौन सा खिलाड़ी जो है टफ टाइम देगा पाकिस्तान को? इंडियन टीम तो वैसे आपको पता है बेस्ट टीम है और उसमें खिलाड़ी भी बेस्ट हैं। कौन सा बेस्ट है जो बहुत पीक पे जा रहे हैं जो क्रिकेटर हैं इंडियन क्रिकेट में, कौन से क्रिकेटर जो है टफ टाइम देगा पाकिस्तान को? जाहिर सी बात है एक अच्छा प्लेयर है विराट कोहली, तो उससे है जाहिर सी बात है कि विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, और बाकी पाकिस्तान के लिहाज से तो आपको पता है अच्छा एक प्लेयर है और बड़े उस लिहाज से में मुश्किल का सामना भी है। अच्छा पाकिस्तान में कौन सा टफ टाइम देगा? पाकिस्तान में हमारे जो प्लेयर्स हैं उनमें से जो न्यू यंगस्टर है उनके लिहाज से कोई अच्छे। मुझे लोग कह रहे हैं सूर्या कुमार जो है बहुत टफ टाइम देगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान को बिल्कुल दे सकता है सूर्या कुमार जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर मुझे बताएं, जैसे कि आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान दोनों सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, अब क्या चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होना चाहिए? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, ज़रूर होना चाहिए, ये तो बल्कि वैसे भी मैच होने चाहिए फाइनल के अलावा भी। तो जब हर दोनों मुल्कों जब मैच होते हैं तो जो मज़ा इसका मेरे ख्याल में किसी का मज़ा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मज़ा मैच का मज़ा, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में ना एक थोड़ी सी ज्यादती होती है, वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो आवाम जो ना प्रेशर बड़ा होता है प्लेयर पे, प्रेशर दोनों पे होता है, दोनों पे। अगर हार जाएं तो गालियाँ, जीत जाएं तो शाबाश, लेकिन वो ये अगर प्रेशर ना हो तो जब दोनों टीमें प्रेशर लेती हैं तो ज़ाहिर है कि प्रेशर में बंदा वो प्रेशर में वो नहीं खेलता जो आज़ादी में खेल सकता है। तो ये आवाम को पहले ही बल्कि प्लेयर को कह देना चाहिए कि ठीक है आप कोशिश करें, लेकिन अगर कोई हार जीत होती रहती है, लेकिन अगर ऐसा मसला है तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि प्लेयर जब खेलता है उस गेम में होता है, अगर मैं हार गया उसे अपना घर याद आता है, लोग घर के बाहर मतलब इस्तेजाद करते हैं, गालियां देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप एक आज आप किसी को हीरो कह रहे हैं और अगले दिन आप उसी को जीरो कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं इंडियन में कौन सा क्रिकेटर पाकिस्तान को टफ टाइम देगा? नहीं मैं तो ये नहीं बात मानता, मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा मैं अपनी टीम की सपोर्ट करूँगा। मेरे ख्याल में होते ना कि बंदा कहते हैं यार ये टफ टाइम देगा, उनकी ठीक है सारे जो जिस दिन अच्छा खेलेगा, ज़्यादा विराट कोहली फॉर्म में है, उसके बॉलर भी हैं दो तीन हैं, प्लेयर भी हैं, टीम खैर इंडियन अच्छी है मसलन देखा जाए, टीम बुरी नहीं है, मतलब इस पर फॉर्म में है टीम, लेकिन पाकिस्तानी टीम भी अच्छी है, ये तो जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। अच्छा पाकिस्तान में कौन से क्रिकेटर हैं जो टफ टाइम देंगे इंडिया को? पाकिस्तान में ज़ाहिर ये बॉलर जो है शाहीन अफरीदी है, तो दूसरा वो क्या नाम उसका बॉलर का नसीम शाह, हाँ मेरे ख्याल में ये अच्छा टफ टाइम दे। और जो बॉलर बैटिंग में हमारी वो चैनल बैल वाला साहब है, वो कभी कोई चल पड़ता है कभी कोई चलता है, लेकिन ना मेरे ख्याल में जो मैं जो इंटरव्यू दे रहा हूँ ना मैं इतना खुश नहीं हूँ ये देख के, पता क्यों? ज़ाहिर है कि आप अपने जिस तरह आपने क्वेश्चन किया है मेरे ख्याल वो क्वेश्चन ठीक नहीं है कि वो इंडियन कौन सा खिलाड़ी टफ टाइम देगा। वो अमरान खान जैसे कि अगर आप पहले किसी से हार मान जाए ये फलां टफ टाइम देगा तो फिर तो ये तो अजीब सी बात होगी, आप पहले डर जाए। तो हमें एक मैच के हवाले से आपसे पूछते हैं, मैच के हवाले से, क्योंकि दोनों क्रिकेटर हैं आपको पता वही फॉर्म में, ये इसलिए क्वेश्चन किया है कि बात की है कि अक्सर मेरे जहन में होता है जो एंकर होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं, जरूरी नहीं कि आप जितने क्वेश्चन करते हैं वो ठीक होते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं,
चले गलत नहीं, कुछ ठीक नहीं होते, गलत गलत उसने हम इस्तेमाल ही करते दिन रात। तो जाहिर उसका जवाब फिर अजीब सा होता है। जैसे आप कोई प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, तो कई बंदे कहते हैं जी उससे सियासत के बारे में कुछ पूछना, जी मुल्की हालात है आप, भाई उससे क्रिकेट का सवाल करें, वो क्या जवाब दे किसी, तो ये अजीब सी बात है। हाँ बाकी ये मैच बिल्कुल होना चाहिए, मुश्किल नहीं होना चाहिए दोनों टीमों का मैच, बल्कि इसके अलावा भी इंडियन पाकिस्तान में आए मैच और इंडिया पाकिस्तान में जाए और पाकिस्तान इंडिया में जाए, ये भी होना चाहिए। लेकिन ये तो हमारी दिली ख्वाहिश है, बल्कि मैं कल ही अपने घर में बैठा था, रात को 2 का टाइम था, बच्चों के साथ आ रहा था, तो मैंने कहा यार मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो और पाकिस्तान जीते, मज़ा आता है, मज़ा आता है। लेकिन ये मैंने साथ कहा था अगर हार गया ना तो ये जाती, मैंने कभी नहीं कहा कि हमारे प्लेयर बुरे हैं, क्योंकि एक मैच है जो पीछे हार गया छोड़े से। हाँ ये मैं पैगाम दूंगा अपनी टीम को, हमारी टीम फिटनेस का मसला है, ठीक है। मेरे ख्याल में जो टीम हारती है ना ये फिट नहीं है, ये अनफिट है, अनफिट है, मतलब ये मतलब कहना नहीं मानते, उनके जो डॉक्टर कहते हैं वो वही खाते हैं। ये देख ले, मैं लाहौर का रहने वाला, मुझे पता है ये वैसे वो बिरयानियाँ खा रहे हैं, कोल्ड मतलब फास्ट फूड खा रहे हैं, मतलब सारे वो तो डाइट डिस्टर्ब हो जाएगी ना। हाँ मतलब ये अब फाइनल होता है और कौन सी टीम जीतेगी, भाई मेरी तो दुआ पाकिस्तान के साथ है। लेकिन एक और भी बात है, वैसे मेरा इंटरव्यू शायद किसी को बुरा लगे, मैं मुझे सर बताएं इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में सेमीफाइनल में जा चुके हैं दोनों टीमें, बड़ी टीमें दोनों, और पाकिस्तान आपको जिस तरह गया फाइनल, आपको ये भी पता होगा हमारी दुआओं से नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया जिसकी वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला गया। अब मुझे ये बताएं, थोड़ा सा आगे आ जाए, अब मुझे ये बताएं कि आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो। इंशाल्लाह इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होगा। होगा फाइनल होगा इंशाल्लाह, ठीक है। मुझे बताएं इंडियंस में कौन से क्रिकेटर हैं जो इंडियन को पाकिस्तान की टीम को टफ टाइम देंगे। विराट कोहली। विराट कोहली को और भी कोई अलावा है? विराट कोहली, विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या। हार्दिक, मैंने एक बंदे से मैंने पूछा था, वो मुझे कह रहा था कि कुछ लोगों से पूछा है, वो कह रहे हैं सूर्य कुमार आजकल काफ़ी चल रहे हैं। नहीं नहीं, वो इस मैच में नहीं चलेंगे। इस मैच में सूर्य कुमार नहीं चला? नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा इस मैच, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया। अच्छा ये पाकिस्तान की जो टीम, इंडिया को कौन से क्रिकेटर हमारे जो है वो टफ टाइम देंगे? उसको देंगे, हमारी जो पाकिस्तान टीम है वो इंडिया को कौन से टफ टाइम, कौन से क्रिकेटर टफ टाइम देंगे इंडिया को? बाबर आजम। बाबर आजम और हारिस रऊफ। हारिस रऊफ बॉलर। बाबर आजम, तो बाबर आजम की थोड़ी बात मैं थोड़ी करता हूँ। बाबर आजम ने तो आपको ये जिम्बाब्वे के साथ जो मैच हुआ था लास्ट, उसने कुछ नहीं किया, उससे पहले एशिया कप में नहीं कुछ किया, लास्ट जो मैच हुआ जितने भी उन्होंने कोई इतनी परफॉर्म नहीं दिया। तो नवाज इंशाल्लाह, नवाज चलेगा जी। अच्छा बाबर आजम में चला, नवाज चले गए इंशाल्लाह। चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, मेहरबान, शुक्रिया।